दोस्तों, हाई स्कूल का एक लड़का अपनी लाइफ से काफी ज्यादा बोर हो चुका था और एक दिन वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी लाइफ को भी एक वीडियो गेम की तरह इंटरेस्टिंग बना दीजिए। फिर दूसरे दिन सुबह जब वो स्कूल जाता है तो उसके क्लासरूम में वीडियो गेम की तरह ही मौत का खेल शुरू हो जाता है, जिसमें एक डॉल एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के सिर ब्लास्ट करके उन्हें मारती चली जाती है। और ऐसे करते हुए गेम का लेवल और भी ज्यादा हार्ड होता जाता है और करोड़ों बच्चों की जान चली जाती है। और ये सब असल जिंदगी में पूरी दुनिया के सामने लाइव हो रहा था। तो क्या वो लड़का इस गेम को जीतकर अपनी जान बचा पाएगा? ये जानने के लिए 2014 में रिलीज हुई जापानीज फिल्म एज द गॉड्स विल की इस दिलचस्प कहानी को पूरा देखेगा। कहानी की शुरुआत में हम शुन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी लाइफ से बिल्कुल बोर हो चुका था, इसलिए वो वीडियो गेम्स खेलता था, लेकिन अब वो गेम खेलकर भी थक चुका था। तभी वो गॉड से विश मांगता है कि काश मेरी लाइफ भी एक गेम जैसी हो जाती जिसे जीने में बहुत मजा आता। अब अगले दिन शुन हमेशा की तरह सुबह स्कूल में आ जाता है, लेकिन आज इसके साथ कितना बड़ा कांड होने वाला था इसे इस बात का अंदाजा नहीं था। तो शुन की क्लास में पढ़ाते वक्त अचानक से एक प्रोफेसर का सर फट जाता है और उसके अंदर से दारुमा डोल बाहर निकलती है, जिसे देखकर सभी बच्चे पैनिक हो जाते हैं। लेकिन जो भी अपनी जगह से हिलते हैं, दारुमा डोल उन सभी बच्चों का सिर एक्सप्लोड कर देती है और वो वहीं पर मर जाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये एक तरह का डेथ गेम होता है जिसे छोड़कर भागने की सजा सिर्फ मौत थी। इस गेम में ये दारुमा डॉल गाना बजाकर उस पर घूमते हुए एक राउंड लेती है और राउंड के खत्म होने के बाद अगर वो किसी बच्चे को हिलते हुए देख लेती है तो उसके सिर को ब्लास्ट कर देती है। तभी शुन का फ्रेंड हिरोशिमा कहता है कि दारुमा डॉल के सिर के पीछे एक रेड बटन और टाइमर लगा हुआ है। पैनिक होकर स्टूडेंट्स दारुमा के सिर के पीछे का बटन दबाने के लिए दौड़ लगा देते हैं, लेकिन दारुमा उन्हें पास आता देखते ही उनका सिर ब्लास्ट करके उन्हें मार देती है, जिससे आखिर में सिर्फ शुन और हिरोशिमा ही जिंदा बचते हैं और टाइमर में सिर्फ एक मिनट बचा होता है। तभी हिरोशिमा शुन को कहता है कि तुम मेरे कंधे के ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हुए दारुमा डॉल तक पहुंचो और उसका बटन प्रेस कर दो, जिससे हम दोनों बच जाएंगे। पहले तो शुन काफी डर रहा था, लेकिन फिर वो भागते हुए हिरोशिमा के कंधे से छलांग लगाकर बटन दबा देता है और आखिरी सेकंड पर टाइमर रुक जाता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हिरोशिमा का सिर भी ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि ये बटन शुन ने प्रेस किया था और इस गेम को सिर्फ एक ही व्यक्ति जीत सकता था। अब दारुमा डॉल शुन को कहती है कि तुम एक रैट हो और अब एक कैट तुम्हारा शिकार करेगी। क्लास के बाहर आते ही शुन को अपने बचपन की दोस्त इचिका मिलती है, जो उससे कहती है कि मेरी क्लास में सिर्फ मैं ही बच पाई हूँ। अब शुन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से कॉल लग नहीं पाता। तभी ये दोनों स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूल के सभी गेट बंद होने की वजह से ये दौड़ते हुए स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ स्टूडेंट्स रेड का कॉस्ट्यूम पहनकर खड़े थे। उनमें से एक लड़का इन दोनों को भी चूहे के कपड़े पहनने के लिए कहता है। तभी इचिका जमीन पर लिखी हुई लाइन पढ़ती है कि जो भी बिल्ली की घंटी बजाएगा सिर्फ वही बच पाएगा, जिससे सभी समझ जाते हैं कि इस डेथ गेम का दूसरा लेवल शुरू होने वाला है। दोस्तों, तभी स्कूल के फ्लोर से एक बड़ी सी कैट बाहर आ जाती है, जो एक रोबोट कैट होती है, और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को वो खाने लगती है और उससे बचने के लिए ये सभी भागने लगते हैं। तभी शुन को एक टाइमर वाली घंटी और कैट के गले में लगी बास्केटबॉल रिंग दिखती है, जिसे देखकर वो बाकी स्टूडेंट से कहता है कि अगर हम इस घंटी को रिंग में डाल देंगे तो शायद हम इस राउंड को जीत जाएंगे। तभी इन सब में से बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर दौड़ लगाते हुए इस घंटी को बिल्ली के रिंग के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली अपने हाथों से उस घंटी को रोक देती है और काफी जोर से घंटी को उस लड़की पर फेंकती है, जिससे वो दीवार से टकराकर बुरी तरह से मारा जाता है। तभी डर के मारे इचिका नीचे गिर जाती है और बिल्ली उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि कुछ देर पहले शुन ने यह बात नोटिस की थी कि बिल्ली उन्हीं लोगों को खा रही है जिन्होंने चूहे की ड्रेस पहनी है, इसलिए इचिका को बचाने के लिए वो उस ड्रेस को पहन लेता है और बिल्ली का ध्यान शुन की तरफ चला जाता है। तभी शुन को पता चलता है कि चूहे के कपड़े पहने हुए प्लेयर से कैट बात भी कर रही है। बिल्ली शुन को यह बताती है कि मेरी कमर पर बहुत खुजली हो रही है, तो सभी स्टूडेंट्स बिल्ली की कमर खुजाने लगते हैं, जिससे उसे काफी अच्छा फील होता है और वो वहीं पर सो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए शुन गोल करने की कोशिश करता है। लेकिन सभी बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले लेवल की तरह यहाँ भी सिर्फ वही बचेगा जो बेल को कैट के रिंग में डालेगा। मगर तभी इन लोगों की आवाज से कैट नींद में से उठ जाती है और फिर इन्हें मारने लगती है। तभी शुन और इचिका एक प्लान बनाते हैं, जिसके लिए ये दोनों इस घंटी को और एक बास्केटबॉल को कपड़े में छिपा देते हैं और दोनों को बिल्ली की तरह फेंक देते हैं, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन यहाँ भी एक गलती हो जाती है कि वो बेल कैट के गले के पास तो जाती है, लेकिन थोड़ा सा निशाना बिगड़ने की वजह से वो बास्केट नहीं हो पाती। अब यहाँ इनके पास सिर्फ 2 सेकंड्स बचे थे, मगर तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का अमाया वहां पे आता है और गिरती हुई बेल को पकड़कर बिल्ली को रिंग में डाल देता है, यानी कि इन तीनों ने साथ मिलकर ये गोल किया था।
इसलिए कैट इन तीनों को विनर घोषित कर देती है और बचे हुए स्टूडेंट्स को अमाया मार देता है। फिर वो शुन से कहता है कि ये कोई आम गेम नहीं है, जरूर इस गेम के पीछे गॉड का हाथ है और पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स हम ही है। इतने में बिल्ली के मुंह से धुआं निकलता है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग ऐसे विनर स्टूडेंट्स को सभी तरफ लाइव देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कर कौन रहा है। अब तक पूरी दुनिया में लाखों बच्चे मारे जा चुके थे और पुलिस फोर्सेज एंड कमांडो इस गेम को रोकने के लिए स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे, मगर वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। अब तक दुनिया भर के लोगों को ये यकीन हो चुका था कि ये सब गॉड कर रहे हैं और जो बचे हुए स्टूडेंट थे उन्हें गॉड चॉइस नाम दे दिया गया। आगे हम देखते हैं कि बचे हुए सभी बच्चे एक व्हाइट कलर के बड़े से क्यूब में पहुंच जाते हैं जो हवा में तैरते हुए कहीं जा रहा था। इस क्यूब में ना तो कोई एंट्री थी और ना ही कोई एक्सिट। फिर अब एक भिखारी को देखते हैं जो एक रेडियो को छूकर ही उसे ठीक कर देता है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद वही कॉट है। यहाँ क्यूब में शुन को होश आ जाता है, लेकिन उसके साथ इचका और अमाया के बजाय तकाशी नाम की लड़की और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। इतने में तीसरा गेम शुरू हो जाता है और कमरे में चार कुकेशी डॉल्स की एंट्री होती है जो इन्हें बताती है कि यहाँ से बाहर वही जा पाएगा जो इस गेम को जीत पाएगा। इन डॉल्स पर इनके नाम लिखे होते हैं और ये गेम के रूल्स बताते हुए कहती है कि तुम सभी को ये गेम एक एक बार खेलने का मौका मिलेगा, जिसमें तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर बीच में बैठना है और हम चारों डॉल्स आपके आसपास गाना गाते हुए राउंड करेंगे। फिर जब गाना खत्म होगा तो तुम्हें अपनी पीछे वाली डॉल का नेम गेस करना है और अगर तुम्हारा बताया हुआ नाम गलत हुआ तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। फर्स्ट राउंड में इनमें से सबसे ब्रिलियंट लड़के को चुना जाता है, लेकिन वो गलत नाम लेने की वजह से मारा जाता है। फिर दूसरी लड़की भी मारी जाती है। अब बारी आती है शुन की। रूल्स के हिसाब से डॉल्स गाना गाते हुए शुन के चारों तरफ घूमने लगती है और गाना खत्म होते ही एक डॉल शुन से नाम पूछती है, लेकिन शुन चुप रहता है। तभी उसके पीछे वही डॉल कहती है कि टाइम खत्म हुआ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि उसकी आवाज सुनकर शुन उसका नाम बता देता है, लेकिन डॉल्स कहती है कि अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। मगर शुन अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है और डॉल्स को दिखाते हुए कहता है कि अभी तक टाइम अप नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले दो राउंड्स में टाइम अप का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अभी इसे मैंने अपने मोबाइल में प्ले किया, जिससे डॉल्स बेवकूफ बन जाती है और शुन के सही नाम बताने की वजह से चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। और शुन को एक चाबी मिलती है जिसे उठाकर वो ताकाशी के साथ कमरे के बाहर आ जाता है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ इनके पास आता है जिसके पीछे एक खतरनाक डॉल थी। वो शुन को कहता है कि अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे तो ये डॉल कुछ भी नहीं करेगी, और ये लोग वैसा ही करते हैं। इतनी देर में वहां इचिका और दो लड़के भी आ जाते हैं। फिर ये सब एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा गेट था जिसे ओपन करने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, मगर इनके पास सिर्फ 4 ही चाबियां थी। इतने में बची हुई 3 चाबियां लेकर अमाया भी वहां पे आ जाता है और इन 7 चाबियों को दरवाजे में लगाने के बाद आवाज आती है कि आप अपने कपड़े बदल कर अगले गेम के लिए तैयार हो जाइए। अब ये 7 स्टूडेंट्स तैयार होकर एक बर्फीले कमरे में जाते हैं जहां उनके सामने एक बहुत बड़ा रोबोटिक भालू आ जाता है जो इन्हें कहता है कि आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगा और जो इस सवाल का गलत जवाब देगा वो मारा जाएगा। ये बियर सबसे पहला सवाल पूछता है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, जो सुन सभी अपना फेवरेट फूड बताते हैं, लेकिन बियर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है, और वो एक बच्चे को मार देता है। फिर भालू इनसे पूछता है कि तुम में से कौन शुन को लाइक करता है, तो इचिका अमाया और तकाशी यस बोल देते हैं, लेकिन भालू कहता है कि तुम में से कोई तो झूठ बोल रहा है, तो इन सबका शक तकाशी पर जाता है और भालू उसे मार देता है। अब भालू बोलता है कि तुम में से कोई तो है जो हमसे मिला हुआ है और झूठ बोलकर तुम्हें मरवा रहा है। इस बात को सुनकर सभी बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन शुन भालू को कहता है कि हम सब में से झूठे सिर्फ तुम हो और तुम ही झूठ बोलकर हम सबको लड़वा रहे हो जिससे तुम्हें ताकत मिलती है। शुन की ये बात सुनकर सफेद भालू पिघलकर काला पड़ जाता है और मर जाता है। यानी अब ये 5 बच्चे फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं जहां पर 3 डॉल्स इनका स्वागत करती है और बताती है कि इस गेम का नाम किक दी कैन है, जिसमें आप में से कोई एक स्टूडेंट डीमन बनेगा और बाकी 4 लोग छिप जाएंगे। अगर डीमन उन सभी लोगों को पकड़ लेता है और कैन को लात मार देता है तो वो जीत जाएगा, वहीं अगर उन 4 में से कोई प्लेयर डीमन से बचते हुए उस कैन पर किक करेगा तो वो मारा जाएगा और बाकी के लोग जिंदा बच जाएंगे, यानी कि दूसरों के लिए उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब गेम शुरू हो जाता है और डॉल्स के द्वारा दी गई स्टिक्स की मदद से यह तय किया जाता है कि कौन डीमन बनेगा और इनमें से सबसे मतलबी लड़का यानी अमाया डीमन बनता है। फिर गेम शुरू होते ही सभी लोग अमाया से छिप जाते हैं, लेकिन वो एक एक करके तीनों लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। यानी अब शुन अकेला ही बचा हुआ था जो वहां रखे लोहे से एक आर्मर बनाकर पहन लेता है, क्योंकि गेम के रूल्स थे कि डीमन जब तक किसी प्लेयर का चेहरा नहीं देखेगा तब तक उसे बंदी नहीं बना पाएगा। मगर शुन के बाहर आते ही अमाया आसानी से शुन का हेलमेट उतार लेता है और उसका नाम लेकर उसे बंदी बना लेता है। बट तभी अमाया का ध्यान अपनी कमर पर बंधी हुई जंजीर पर जाता है
जिसे अपने साथ खींचते हुए शुन पानी में कूद जाता है और अमाया भी उसके साथ पानी में गिर जाता है। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके वो दोनों पानी से बाहर आते हैं और कैन को किक करने के लिए दौड़ लगाते हैं और शुन अमाया से पहले कैन को किक कर देता है, जो देखकर इचिका और बाकी दोनों स्टूडेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि रूल्स के हिसाब से शुन अब मरने वाला था। लेकिन वो कैन ब्लास्ट नहीं होता और शुन की जान बच जाती है। इतने में वो तीनों डॉल्स वहां आकर बताती हैं कि कैन को किक करने वाले के मरने की बात हमने झूठ कही थी क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि किसका दिल सच्चा है और वो सब ही इस गेम के विनर हैं। तभी आसपास पटाखे फूटने लगते हैं और वो डॉल्स इन सभी को जीत की खुशी में आइसक्रीम देती है और कहती है कि अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं, मगर आइसक्रीम खाने के बाद शुन और अमाया के स्टिक पर विनर लिखा होता है और बाकी तीनों के स्टिक पर डेथ लिखा हुआ था, जिससे वो तीनों मारे जाते हैं। जिसे एक्सप्लेन करते हुए डॉल कहती है कि ये हमारा लास्ट हिडन गेम था जिसका नाम गेम ऑफ लक था, जिसमें 5 में से 2 स्टिक्स पर ही विनर लिखा हुआ था। हालांकि अमाया अपनी जीत से काफी खुश था, लेकिन शुन अपने दोस्तों को खोने के दुख से काफी उदास था और वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त मुझसे छीन लिए और इतने सारे स्टूडेंट्स को मार दिया। जो सुन डॉल उसे कहती है कि नहीं शुन, इस स्टेटमेंट में तुम गलत हो क्योंकि गॉड होते हैं। तभी सबसे बड़ा राज खुलता है कि वही भिखारी गॉड था जिसने रेडियो ठीक किया था और उसी ने ये सब गेम्स अरेंज किए थे क्योंकि वो ये दुनिया चलाकर काफी बोर हो चुके थे और ऐसे इंसान की तलाश में थे जो दुनिया चला सकता है, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी तो काफी ज्यादा एंगेजिंग थी लेकिन इसकी एंडिंग बिना कुछ एक्सप्लेन किए ही छोड़ दी गई, इसलिए IMDb पर इसे 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग मिली है। खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस देखते रहने के लिए देखते रहिए रिकैप एंडलेस।